बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू स्माइली फूड और मैं हूँ नाहिद। आज हम बनाएंगे चिकन कबाब। मटन के कबाब तो आपने कई बार खाए होंगे, लेकिन आज हम बनाएंगे चिकन के कबाब, वो भी बिल्कुल पकोड़े की तरह। तो चलिए ये मज़ेदार से कबाब किस तरह बनते हैं देख लेते हैं। चिकन के कबाब बनाने के लिए 250 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन लेकर मिक्सर में पीस लिया था, और देखिए इस तरह से कीमा बनाकर तैयार कर लिया है। एक बड़े बर्तन में ले लेंगे हम। चिकन को अच्छी तरह से धोकर हमें इसका सारा पानी अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। 3 हरी मिर्च ली है, बहुत ही फीकी वाली हरी मिर्च है ये, इसे बारीक बारीक काट लिया है मैंने। 1 मुट्ठी हरा धनिया लिया है, 1 मुट्ठी पुदीने के पत्ते लिए है काटकर, 2 मीडियम साइज की प्याज ली थी और चॉपर में एकदम बारीक इसे काट लिया है हमने, और इसका सारा पानी हमने अच्छी तरह से एक कॉटन के कपड़े में डालकर निचोड़ लिया है। तो प्याज का पानी अच्छे से निचोड़ लेना है। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे। कुछ पीसे हुए मसाले लिए हमने, जिसमें मैंने आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, आधा चम्मच मैंने चिकन मसाला लिया है। आप कोई भी गर्म मसाला ले सकते हो। इस कबाब को चटपटा बनाने के लिए आधा चम्मच मैंने आमचूर पाउडर लिया है, आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर लिया है, आधा चम्मच मैंने काली मिर्च को दरदरा सा कूट लिया है, जिसकी वजह से कबाब में फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। 1 चम्मच जो सूखा अखा धनिया होता है ना, उसे भी मैंने दरदरा सा कूट लिया है। तो धनिया और काली मिर्च को आपने दरदरा सा कूट कर लेना है, इन दोनों की वजह से कबाब में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और आधा चम्मच मैंने कूटी हुई लाल मिर्च ली है, नमक टेस्ट के मुताबिक लिया है। ये सब चीजें डाल देंगे। 1 अंडा लिया है हमने, जिसकी वजह से कबाब अंदर से एकदम मुलायम बन के तैयार होगे, और इससे कबाब की बाइंडिंग भी बहुत ही अच्छी तरह से होगी, जिसकी वजह से कबाब जब हम फ्राई करेंगे तो टूटेंगे नहीं। अगर आप अंडा खाना पसंद नहीं करते हो तो अंडे के बिना भी इस कबाब को बना सकते हो। इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे। अंडे को भी डाल देंगे हम इसमें। अब कबाब की बाइंडिंग के लिए देखिए, मैंने बेसन यानी चने का आटा 5 चम्मच भर के लिया है, और इसे थोड़ा सा भून लिया है इस तरह से, ताकि जब हम कबाब फ्राई करें तो कच्चा आटा ना लगे। तो बेसन को हम इसमें डालेंगे। इन सब चीजों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें प्याज ज्यादा डालकर कबाब की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हो। कबाब में प्याज ज्यादा डालने से कबाब का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। अक्सर जब हम मटन के कबाब बनाते हैं तो उसमें ज्वार का आटा या फिर बाजरी का आटा मिक्स किया जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं पकोड़े की तरह ये कबाब को बना रही हूँ, इसीलिए मैंने बेसन यानी चने के आटे को मिक्स किया है। आप चाहे तो ज्वार या बाजरे का आटा भी बेसन की जगह पर ले सकते हो। ये देखिए, पानी डाले बिना ही हमने इस कबाब के आटे को तैयार कर लिया है। तेल गरम करके कबाब को फ्राई करेंगे। तेल अच्छी तरह से गरम हो चुका है, गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इस कबाब को हम फ्राई करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम कबाब को उठाकर बनाएंगे। बहुत गोल गोल भी शेप में नहीं बनाना है, बस इसी तरह से हम कबाब का शेप देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडियम आंच पर इस कबाब को हम फ्राई करेंगे, ताकि जो कीमा है वो अंदर से अच्छी तरह से पक जाए। ये देखिए इस तरह से, बहुत ज्यादा छोटे भी कबाब नहीं बनाएंगे हम, और बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं बनाएंगे, मीडियम साइज के बनाते जाएंगे। पहले एकदम से हमें कबाब को पलटना नहीं है, वरना टूट भी सकते हैं। ये देखिए मैंने डाल दिया है, अभी थोड़ी देर के बाद इसे पलटेंगे हम। नीचे से कबाब फ्राई हो चुके हैं, अब इसे हम धीरे रहकर पलट लेते हैं। तो इस तरह से चम्मच की मदद से मैं पलट लेती हूँ। ये देखिए, बहुत ही आसानी से पलट रहे हैं, बिल्कुल भी हमारा कबाब फ्राई करते टाइम पर टूट नहीं रहा, क्योंकि इसमें हमने अंडे को मिक्स किया है और बाइंडिंग बहुत ही अच्छी तरह से हुई है इसकी। जब आप कबाब का आटा तैयार करें तो उस टाइम पर आपको कीमे का पानी अच्छी तरह से निचोड़ कर लेना है, प्याज को जब आप काटें तो उसका भी पानी अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। जब प्याज अच्छी तरह से सूखी होंगी तो ही कबाब का आटा हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो पाएगा। ये देखिए, बिल्कुल भी ढीला आटा नहीं पड़ा है और कबाब बिल्कुल भी टूट नहीं रहे हमारे। ये चिकन के कबाब बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अक्सर क्या होता है कि बच्चे लोग मटन खाना पसंद नहीं करते हैं, चिकन को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप भी चाहे तो इस तरह से चिकन के कबाब बनाइए, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं ये कबाब। हमारे अच्छी तरह से गोल्डन हो गए हैं,
अंदर से कीमा अच्छी तरह से पक जाना चाहिए और दोनों तरफ से ये गोल्डन कलर के हो जाए तो इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह, देखिए कितने जबरदस्त दिख रहे हैं। मजेदार चिकन के कबाब तैयार है। इसे मैं टिश्यू पेपर पर निकाल लेती हूँ। और इसी तरह से बाकी सारे कबाब को हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए ये कबाब भी हमारे फ्राई हो गए, इसे भी निकाल लेती हूँ मैं। तो मुझे तो रमजान का महीना याद आ गया, क्योंकि अक्सर हम लोग रमजान के महीने में इस तरह से कबाब बनाते हैं। काफी महीने बाकी है रमजान को, लेकिन इस तरह से आप बनाकर सीख ले ताकि रमजान में भी आपको बनाने की आसानी हो। तो ये गर्मा गर्म हमारे चिकन के कबाब, ये देखिए इसी तरह से थोड़ा आटा और बचा है तो मैं उसे भी फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने चिकन के समोसे भी बनाकर रखे हैं। स्ट्रीट में जब हम जाते हैं तो कबाब समोसे मिलते हैं तो मुझे बहुत पसंद आते हैं, इसीलिए मैंने चिकन के आज समोसे भी बनाकर रखी थी। उसे भी हम फ्राई कर लेंगे और कबाब के साथ सर्व करेंगे। और गर्मा गर्म हमने जो अभी चिकन के कबाब बनाए उसे और इस समोसों को भी हम सर्व कर लेंगे। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।